ढूंढता है तो किसका सहारा। जप जी साहिब, इको अंकार सतना, सोचै सोच न होवई जे सोची लखवा, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवता, भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सह सियाणपा लाखो है ता एक न चलै ना, किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। सोची सोची न हो गई जिस सोची लखबार, चुपे चुपे न हो गई जे लाई रहा लिवतार, भूखिया भूख न उतरो जे बन्ना पुरिया भार, सह सियाणपा लख होई ता एक न चले नाली, किब सचियारा होइए किब कूड़े तुटपाली, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाली। ये बड़ा कीमती बहुमूल्य सूत्र है नानक का सबसार। सोचकर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते, सोच सोचकर उसे कभी किसी ने पाया नहीं, सोच सोचकर ही तो हमने उसे गंवाया है। जितना हम सोचते हैं उतने ही तो विचारों में हम खो जाते। परमात्मा कोई विचार नहीं, वो कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं, वो कोई मस्तिष्क का निष्कर्ष नहीं है। परमात्मा तो सत्य है, तुम्हें सोचने का सवाल नहीं, देखना है। सोचने से क्या होगा, सोचने में तो और भटक जाओगे। आंख खोलनी है, और अगर आंखें विचारों से भरी हैं तो तुम्हारी आंखें अंधी रहेंगी। आंख निर्विचार चाहिए, तभी दर्शन उपलब्ध होता है। जिसको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, जिसको कबीर कहते हैं उन्मनी दशा, जिसको बुद्ध कहते हैं चित्त का खो जाना, जिसको पतंजलि ने कहा है निर्विकल्प समाधि, सब विकल्प और विचार जहां खो गए, वही नानक कह रहे हैं सोच सोचकर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोचते रहें। चुप होने से भी उस मौन को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते। क्यों? सोच सोच के उसे पाया नहीं जा सकता, चेष्टा कर कर के मौन साधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जितनी तुम चेष्टा करोगे उतना ही तुम पाओगे मौन असंभव हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो चेष्टा से नहीं घटती, जैसे नींद नहीं आती किसी को, तो कितनी ही चेष्टा करे नींद ना आएगी। सच तो यह है जितनी चेष्टा करेगा उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नींद का अर्थ ही यह है कि तुम सब चेष्टा छोड़ दो तभी आएगी। तुम कोशिश जारी रखोगे, कोशिश तुम्हें जगाए रखेगी, जागने से कहीं नींद आई है। कोई उपाय नींद लाने का नहीं, क्योंकि नींद आती तब है जब तुम निरुपाय हो जाते, जब तुम कोई उपाय नहीं करते, पड़े हो बिस्तर पर निरुपाय, तभी नींद आ जाती। तुम अपने को जबरदस्ती कैसे मौन करोगे? तुम बैठ सकते हो, शरीर को साध सकते हो पत्थर की मूर्ति की तरह, भीतर मन उबलता रहेगा। नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं। उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच्ची कहते हो कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है,
हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा ये भी कोई शर्त की बात हुई, हम पढ़ने जा ही रहे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए, हिंदुओं में तहलका मच गया, नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि ये क्या कर रहे हो। लोगों को लगा कि नानक मुसलमान होने जा रहे। लोग अपने भय से ही दूसरों को भी तौलते हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई। नवाब बहुत नाराज हुआ, बीच बीच में लौट लौट के देखता था कि नानक ना तो झुके ना नमाज पढ़ी, बस खड़े। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती। करके किसी तरह पूरी। नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा धोखेबाज हो, कैसे साधु कैसे संत, तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं। नानक ने कहा वचन दिया था, शर्त आप भूल गए। कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता। नवाब ने कहा क्या कह रहे हो, होश में हो, इतने लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा इनकी गवाही मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा है। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वो घोड़े ही रहा था, उसका अच्छा से अच्छा घोड़ा मर गया था उसी दिन सुबह, उसी की पीड़ा से भरा था। नमाज की अखाक, वो यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शान थी, इज्जत थी। और नानक ने कहा ये जो मौलवी है तुम्हारा, जो पढ़वा रहा था नमाज, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी। मौलवी ने भी कहा कि बात तो ये सच है, फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया, गांव में मजदूर नहीं मिल रहे और चिंता मन पे सवार है। तो नानक ने कहा आप तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दूं। तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा प्रार्थना कर लो, क्या तुम कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं। क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम पत्थर की मूर्त की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा। शरीर को साध लोगे, इससे क्या मन सधेगा। मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा था, और भी जोर से चलेगा, क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बटी थी। अब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, सारी शक्ति मन को मिल गई। अब मन में और जोर से विचार उठेंगे, इसलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज्यादा विचार उठते हैं, पूजा करने बैठते हैं तब बाजार का बहुत ख्याल आता है, जब भी बैठते हैं घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाके तभी पाते हैं कि भीतर न मालूम क्या खराबी है, कि ऐसे सब ठीक चलता है। सिनेमा में बैठ जाए मौन आ जाता है, थोड़ी शांति हो जाती, लेकिन मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं। बात क्या है, सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगत है, वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो, वहां वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है, वही कूड़ा करकट वही कचरा तुमसे तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं, वहां सब गड़बड़ हो जाती। नानक कहते हैं चुप होने से भी कुछ ना होगा, उस मौन को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, बैठे रहो दिन रात कुछ भी ना होगा, भूखों की भूख नहीं जाएगी। यद्यपि हम पुरियों के पहाड़ ही क्यों ना जमा कर लें, क्योंकि ये भूख पुरियों से भरने वाली नहीं। ये जो ध्यान की भूख है, ये जो परमात्मा की भूख है, ये कोई साधारण भूख नहीं, ये संसार की कोई भी चीज इसे बुझा ना सकेगी। ये तृषा अनूठी, परमात्मा ही उतरे धार बनकर तो ही बुझ सकती है। किस भांति हम सच्चे बने, किस भांति झूठ के पर्दे का नाश हो। नानक कहते हैं कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा, उसके अनुसार चलने से ही ये हो सकता है। ये वचन अति ध्यान पूर्वक समझने का है। हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखिया ना ले, नहीं तुम्हारे करने से कुछ भी ना होगा। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे, तुम सच भी बोलोगे तो तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व से ही सच निकलेगा, वो सच भी झूठा हो जाएगा।
तुम सच लाओगे कहां से, तुम बिल्कुल झूठे हो, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। नानक एक गांव में ठहरे थे, गांव में जो प्रधान था गांव का, उसने निमंत्रण दिया था सारे गांव को भोज का, कोई यज्ञ चल रहा था, नानक को भी बुलाया था, नानक गए नहीं। और एक गरीब आदमी के घर में ठहरे थे, उस आदमी का नाम था लालू, गरीब बड़े ही था, उसकी कोई हैसियत ना थी, रूखी सूखी रोटियां थी। और गांव के अमीर ने निमंत्रण दिया था, अनेक बार आदमी आए बुलाने, नहीं जब माना, अमीर खुद आया, नानक को लेके गया। नानक ने कहा तुम चाहते हो तो चलूंगा। उसने पूछा महल में ले जाकर कि मेरे शुद्धतम भोजन को इनकार करते हो और उस गरीब का अशुद्ध भोजन। वो ब्राह्मण भी नहीं है, ये शुद्ध ब्राह्मणों ने स्नान करके गंगा जल से इस सबको तैयार किया है, पवित्रतम, और तुम इसे इनकार करते हो। नानक ने कहा कि मैं तुम अब जिद्दी करते हो तो कहूं, थोड़ा भोजन तुम्हारा ले आओ। लालू भी पीछे पीछे चला आया था, उससे कहा तू भी अपनी रूखी रोटी ले आ। कहते हैं प्रतीक कहानी है कि नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी और एक हाथ में हलवा पूड़ी उस धनपति की लेकर निचोड़ी, तो लालू के सूखी रोटी से तो दूध की धार बही और दूसरी हाथ से लहू की बूंदें टपकी। नानक ने कहा तुम अशुद्ध हो तो तुम ब्राह्मणों से भोजन बनवाओ, कि गंगा के पानी को बुलवाओ, कि एक एक गेहूं को धो के साफ करके बनवाओ, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारा सारा जीवन शोषण, बेईमानी, चोरी, झूठ का है, तुम्हारी हर रोटी में खून छिपा है। खून निकलाया नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात तो सच है। तुम कैसे सच्चे होगे? तुम ही तो सच्चे होगे ना, कौन उपाय करेगा? तो नानक कहते हैं तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा, तुम बेईमान हो तो तुम्हारी सच्चाई में भी बेईमानी घुस जाएगी। तुम सच भी ऐसा बोलोगे कि जब तुम्हारी बेईमानी को उससे फायदा होता हो, तुम सच भी इस ढंग से बोलोगे कि दूसरे को दुख पहुंचे, तुम ऐसे सच की तलाश करोगे जिससे दूसरे के हृदय में छुरा लग जाए। तुम झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, तुम सच से भी नुकसान पहुंचाओगे। तुम जो भी करोगे वो गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। उपाय क्या है? तो नानक कहते हैं उपाय एक ही है, उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उस पर छोड़ दो। जैसा वो जिलाए जियो, जैसा वो कराए करो, जहां वो ले जाए जाओ, उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो, परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इंकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी, और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। वो तुम्हें जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में, एक बात तुम्हारे भीतर सतत बनी रहे कि मैं राजी हूं, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। और तब तुम अचानक पाओगे कि तुम शांत होने लगे। जो लाख ध्यान में बैठ के नहीं होता था, वो उसकी मर्जी पे सब छोड़ देने से होने लगा, हो ही जाएगा, क्योंकि चिंता का कोई कारण न रहा। चिंता क्या है? चिंता ये है कि जैसा हो रहा है उससे अन्यथा होना चाहिए। बेटा मर गया, नहीं मरना था, ये चिंता है। दिवाला निकल गया, नहीं निकलना था, ये चिंता है। जैसा हुआ वैसा नहीं होना था, और जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश कर रहे हो जीवन पर, यही तुम्हारी चिंता है। फिर इससे तुम परेशान हो, फिर इस परेशानी को भीतर ढोते हुए तुम ध्यान करने बैठते हो, तब तुम खेत में फसल काटोगे, काबुल में घोड़ा खरीदोगे। वो चिंता तुम्हारी जो थी पीछे रहेगी, वो तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगी।
तब तुम कैसे शांत हो सकोगे? शांति का एक ही गुर है। और अगर ये सूत्र तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज समझ में आ सकती है। पूरब की सारी खोज यह लाओसे से लेकर नानक तक कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। इसका पुराना नाम भाग्य, वो शब्द बिगड़ गया। सब शब्द बहुत दिन उपयोग करने से बिगड़ जाते हैं क्योंकि गलत लोग उपयोग करते हैं, गलत अर्थ जुड़ जाते हैं। अब तो किसी की निंदा करनी हो तो कह दो कि भाग्यवादी, लेकिन भाग्य यही तो अर्थ है भाग्य का। नानक कहते हैं हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाल, जो लिखा है वो होगा, जो उसने लिख रखा है वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर चिंता किसको, फिर बोझ किसको, जब तुम बदलना ही नहीं चाहते कुछ, जब तुम उससे राजी हो, उसकी मर्जी में राजी हो, जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, तब कैसी बेचैनी, तब कैसा विचार, तब सब हल्का हो जाता, पंख लग जाते, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। नानक की एक ही विधि है और वो विधि है परमात्मा की मर्जी, वो जैसा करवाए, वो जैसा रखे। ऐसा हुआ कि बल्ख का एक नवाब था इब्राहिम, उसने बाजार में एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ तेजस्वी था। इब्राहिम उसे घर लाया, इब्राहिम उसके प्रेम में ही पड़ गया। आदमी बड़ा प्रभावशाली था। इब्राहिम ने पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा, तो उस गुलाम ने मुस्कुरा के कहा मालिक की जो मर्जी, मेरा कैसा, मेरा होने का क्या अर्थ, आप जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा। इब्राहिम ने पूछा तू क्या पहनना क्या खाना पसंद करता है, उसने कहा मेरी क्या पसंद, मालिक जैसा पहनाए पहनूंगा, मालिक जो खिलाए खाऊंगा। इब्राहिम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, हम क्या नाम लेके तुझे पुकारें, उसने कहा मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या नाम, दास का कोई नाम होता, जो नाम आप दे दें। कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई। उठ के उसने पैर छुए इस गुलाम के और कहा कि तूने मुझे राज बता दिया जिसकी मैं तलाश में था, अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता, तू मेरा गुरु है। तब से इब्राहिम शांत हो गए, जो बहुत दिनों के ध्यान से न हुआ था, जो बहुत दिन नमाज पढ़ने से न हुआ था, वो इस गुलाम के सूत्र से मिल गया। हुकुम रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाली, सोचो थोड़ा प्रयोग करो, जैसा रखे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके भी देख ली, क्या हुआ, तुम वैसे के वैसे हो, जैसा उसने भेजा था उससे विकृत भला हो गए हो, उससे सुकृत नहीं हुए हो, जैसे आए थे बचपन में भोले भाले उतना भी नहीं बचा हाथ में, स्लेट गंदी हो गई, तुमने सब लिख डाला, पाया क्या है सिवाय दुख तनाव संताप के, क्या तुम्हारे हाथ लगा है? थोड़े दिन नानक की सुन के देखो, छोड़ दो उस पर। इसलिए नानक कहते हैं न जप न तप न ध्यान न धारणा, एक ही साधना है उसकी मर्जी। जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है, एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती भीतर, जहां कोई तनाव नहीं कोई चिंता नहीं। पश्चिम में इतना तनाव और चिंता है, पूरब से बहुत ज्यादा। हालांकि पूरब बहुत गरीब है, दुखी है, बीमार है, रुग्ण है, भोजन नहीं, कपड़े नहीं, छप्पर नहीं,
पश्चिम में सब है फिर भी चिंता, तनाव, इतना तनाव है कि करीब करीब चार आदमियों में तीन आदमी विक्षिप्त हालत में हो गए। क्या कारण? क्योंकि पश्चिम ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। आदमी को पश्चिम में भरोसा है हम सब कर लेंगे, भगवान की कोई सहारे की जरूरत नहीं, भगवान है ही नहीं, आदमी सब कर लेगा। तो उसने बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन आदमी बिल्कुल खो गया है, पागल हुआ जा रहा है। बाहर बहुत कुछ कर लिया, भीतर सब रुग्ण हो गया है। अगर तुम्हारे जीवन में यह सूत्र उतर जाए तो कुछ करने को नहीं बचता। जैसा हो रहा है होने दो, तुम तैरो मत, बहो, नदी से लड़ो मत, नदी दुश्मन नहीं है, मित्र है। तुम बहो, लड़ने से दुश्मनी पैदा होती है, और जब तुम उल्टी धार तैरने लगते हो तब तुम नदी तुमसे संघर्ष करने लगती, तुम सोचते हो नदी मुझसे दुश्मनी ले रही। नदी को क्या दुश्मनी, नदी को तुम्हारा पता भी नहीं, तुम अपने ही हाथ उल्टी धारा बह रहे हो। तुम्हारी मर्जी यानी उल्टी धारा, अहंकार यानी उल्टी धारा, उसकी मर्जी, तुम धारा के साथ एक हो गए। अब नदी जहां ले जाए वही मंजिल है, जहां लगा दे वही किनारा है, डुबा दे तो वो भी मंजिल है। फिर कैसी चिंता, फिर कैसा दुख, तुमने दुख की जड़ काट दी। बड़ा कीमती ये सूत्र है। नानक कहते हैं उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। तो नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए। पहले तो गुरु प्रसाद, कि तुम जो भी करो, जो भी उपलब्धि हो वो गुरु की कृपा, और फिर जो भी हो जीवन की धारा, वो जहां ले जाए उसका हुक्म, फिर कुछ और करने को बचता नहीं। और तब ज्यादा देर न लगेगी कि तुम्हें भी पता चल जाए, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोच सोच न हो गई जे सोची लखबार, चुपे चुपे न हो गई जे लाई रहा लेवतार, भुखिया भुख न उतरो जे बना पुरिया भार, सह सियाणपा लख होई त इक न चले नाल, किब सचियारा होइए किब कूड़े तुटपाल, हुकुन रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाली। आज इतना ही। किसका सहारा ढूंढता है तो किसका सहारा।